सर्वभारतीय भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कलकत्ता हवाई अड्डामा आइपुगेका छन्। चुनाव परिणाम घोषणा गरिएको तीन दिनपछि आज कलकत्ता आइपुगेका छन् भने चुनाव पश्चात बंगालमा हिंसात्मक घटना घटेको विषय लिएर घोर निन्दा जनाउँदै अध्यक्ष जेपी नड्डाले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत यसरी बताएका छन्। पश्चिम बंगाल की हालत है, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद एक सेकंड, थोड़ा सा बैलेंस बनाइए आप लोग, फिर जाएंगे। जो घटनाएं पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आज़ाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। वी आर committed to fight this ideological battle and the activities of TMC which is full of intolerance and we are ready to fight democratically, प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूँ, अभी मैं 24 परगना जाऊँगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊँगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है, और संतावना तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनके साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं इस अवस्था में, और निश्चित रूप से उनकी शहादत जाहिर नहीं जाएगी, उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हम आगे लड़के निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएंगे। सामने छोड़ दिए। जान जान।